हाँ जी, क्या हाल है आप सबके। दिस इज़ यूसुफ खान, वेलकम बैक टू माई चैनल। सब हो चुके हैं रेडी, जा रहे हैं गुलमर्ग। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, बट आज की सुबह बेस्ट दी बेस्ट। ये खड़ा टेम्पो ट्रैवलर। व्यू के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि this out what a beautiful view layer 2 layer 3 fifth layer sixth layer and iske upar ab aayegi ek aur jacket itni thand hone wali hai gulmarg mein to abhi bas niklenge 10-15 minute mein phir aap sab se milte hain this was the first time that we experienced the snowfall काफ़ी अच्छा था। ओए तौफिक 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 देखो ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर। हाय करो। हाय बोला आई लव यू। ब्लैंकेट्स हीरो से हाय। यस, तो हम सब रेडी हो चुके हैं, बस यहाँ से निकलेंगे, दो दिन गुलमर्ग में रहेंगे, फिर उसके बाद वापस से यहीं पे आएंगे यही होटल में। बहुत अच्छा होटल है, कभी भी आप कश्मीर आएँ तो मन्नत रिसॉर्ट्स के नाम से है ये, यहीं पे आएगा श्रीनगर में। अगर आपका रुकना होगा श्रीनगर में तो यहीं आके रुकिएगा। बढ़िया होटल, बहुत अच्छा, सर्विस बहुत अच्छी, खाना बहुत अच्छा है। सुबह सभी यहाँ से निकलेंगे, दो मिनट के अंदर सामान वामान पैक कर ले, लिमिटेड सामान लेके जा रहे हैं गुलमर्ग, क्योंकि बाकी सामान यहीं पर रहेगा क्योंकि वापस यही होटल में आना है। तो थोड़ा सा सामान सेट करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। इस स्नोफॉल ने भाई मुझे मुंबई की याद दिला दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्नोफॉल और मुंबई का क्या लेना देना है। मैं बताता हूँ क्या लेना देना है। मुंबई की बारिश देखिए आप लोग ना, बारिश होती है, पानी भरता है, कीचड़ होती है, तो जब बर्फ़ पिघलती है और पानी बनती है तो पानी से कीचड़ बन जाती है। मेरे शूज़ जो हैं बहुत गंदे हो चुके हैं इसकी वजह से, मैंने ये नहीं सोचा था। ओ माई गॉड यार, ये व्यू तो आपको देखना बनता है। वाओ, मतलब वाओ, क्या ही व्यू है ये। पूरा फॉरेस्ट, वाइट स्नो, ऐसा लग रहा है बर्फ़ की चादर, और आसमान अगर आप देखें पूरी तरह से वाइट है, बादलों से भरा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। शिट यार, चलते हैं हम अभी, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, सर्दी में चाय पीने का अलग ही मज़ा है। तो आ गए हैं, ये पता नहीं कुछ ढाबा टाइप है, ढाबा मतलब ढाबा तो नहीं कहेंगे, रेस्टोरेंट ही है ये, और अंदर हीटर है तो चाय पीने का और मज़ा आ गया।
एंड फाइनली वी रीच द गुलमर्ग। बहुत ही गंदा सीन एक ये हुआ कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए ये देख रहे हैं कि आप, एक कार जा रही है सामने, ये पूरी नीचे फंस गई थी, तो वो जो ट्रक है वो उन्होंने निकाला, तो हम लोग वहीं से आ रहे थे लेकिन इसकी वजह से बीच में रुक गए। फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है तो मैं फैजान भाई का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। चेक इन भी नहीं किया है, सामान सब लॉबी में ही रखा है, चेक इन करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। रूम का क्या व्यू है वो भी आपको दिखाएंगे। पूरा ही चढ़ के थक चुके हैं काफ़ी, अब चलते हैं रूम में, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर आप सबसे मिलते हैं, तब तक मैं फ़ोन भी अपना क्लियर कर दूँ। गाइस सो ये है हमारा रूम, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। ये है वॉशरूम, हाँ ये बेड, ओ वाओ, गाइस दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा है कमेंट करके बताइएगा। गुलमर्ग में आने के बाद ज़्यादा कुछ हिम्मत हुई नहीं व्लॉग करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत खाया पिया, एक्सप्लोर करने जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा फॉग हो गया इसलिए निकल नहीं पाए, तो बस तबीयत भी थोड़ी डाउन है, हिम्मत हो नहीं रही कुछ करने की, तो कल एक्सप्लोर करेंगे एंड होपफुली कल का व्लॉग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा वीडियो, कैसे लगा व्लॉग, एंड शेयर करिएगा सभी के साथ। दैट्स इट, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।